नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, बालसोर में ये हादसा हुआ। मालगाड़ी से एक्सप्रेस टकरा गई। कोरोमंडल ट्रेन की मालगाड़ी से जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 132 लोग घायल हुए हैं। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी ट्रेन, तभी उड़ीसा के बालासोर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई। हादसे में करीब 132 लोग घायल हैं। घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हावड़ा से चेन्नई ये ट्रेन जा रही थी। स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से लोगों की मदद करने में, रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। घटना स्थल पर एक दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस पहुंची हुई है। मेडिकल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। कई और टीमें घटनास्थल पहुंच रही हैं। अभी भी लोग बोगियों में फंसे हुए हैं, दबे हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी दुष्मंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्मंत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? दुष्मंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी से संपर्क करने की, अपडेट लेंगे। फिलहाल घटनास्थल पर क्या हो रहा है वो हम जानेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बुरी तरीके से ट्रेन पलटी है। मालगाड़ी से टकरा गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। 132 लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल अभी आंकड़ा यही है, लेकिन घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। दुष्यंत सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, फिलहाल क्या अपडेट अभी? देखिए, अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है, जो 140 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं का खबर आ रहा था, अभी जो लोकल सोर्स है, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, शायद 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, शायद ऐसा कुछ आ रहा है खबर, लेकिन ये हम ऑफिशियल नहीं बता सकते, इसलिए कि जो ऑफिशियल अभी रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे सूचना नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा खबर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो रेस्क्यू हो रहा था, जो रेस्क्यू टीम, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी उड़ीसा में पहली बार ऐसे ट्रेजेडी देखने के लिए मिला, ट्रेन एक्सीडेंट। और अभी तक की जो सूचना है, जहां स्पोर्ट से आ रहा है, अभी धीरे 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 करके पहुंच रहे हैं रेस्क्यू टीम की। सबसे बड़ी बात है कि जो मेन रेस्क्यू टीम है वो भुवनेश्वर से गया है और बालेश्वर से निकल चुका है, महानगर की तरफ से अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ, भद्रक से जो रेस्क्यू टीम वो पहुंच गया है, लेकिन जो मेन रेस्क्यू टीम, रात को जिस टीम का एक्सपीरियंस है अंधेरे में कैसे रेस्क्यू करते हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन पुख्ता खबर है, ये बड़ी खबर है कि बहुत सी लोग घायल हो चुके हैं और मरने की जो संख्या है वो अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। बिल्कुल, जैसी तस्वीरें फिलहाल दुष्मंत हम तस्वीरों में देख रहे हैं, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दुष्मंत, ये बात पता चल पाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, जो सूचना आ रहा है, दो ट्रेन, एक मालवाही ट्रेन था पहले बोल रहे थे, लेकिन वो भी एक एक्सप्रेस था, और ये जो हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस था, ये एक ही ट्रैक में था, और पीछे से लेके हावड़ा जो एक्सप्रेस था, हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस था, वो उसको पीछे से धक्का दे दिया, और उसी बीच चार डब्बा इसका, शालीमार एक्सप्रेस का और जो एक्सप्रेस का था, चार चार डब्बा गिर गया। और अभी जो खबर आ रही है, ये हम आपको लोकल जो थे वहां पर, जो आंखें देखी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, वो सोच रहे हैं, लेकिन अगर स्पॉट वेरिफिकेशन करें, जो जहां से खबर आ रही है स्पॉट वेरिफिकेशन करें और जहां पर घटना घटी है उसको देखेंगे, तो पता लगेगा कि जो हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस था वो पीछे से जाकर धक्का दिया है, और शायद कहीं पर सिग्नल का प्रॉब्लम था, और दो ट्रेन के जो बीच जो जो होता है कम्युनिकेशन गैप था, और वही गैप ही ये एक्सीडेंट का कारण बना, और जो हादसा हुआ ये बड़ा हादसा। और देखिए, जो सूचना आ रही है, 140 से ज्यादा लोग घायल, और अभी जो खबर आ रही है वो भी बहुत दुखद खबर है।
जी दुश्मन तस्वीरें काफी भयावह हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कई बोगियां हैं वो फट गई हैं, इतनी जबरदस्त टक्कर थी। तो कह सकते हैं, माना जा सकता है कि ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी जब मालगाड़ी से टकराई। हाँ, जो सूचना आ रही है कि फुल ट्रेन स्पीड में था और वो जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत इंटीरियर प्लेस है, जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का है, बालेश्वर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बालेश्वर बहानागा ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत इंटीरियर प्लेस है। और जिस हिसाब से जो लोकल लोग भी हैं और रेस्क्यू के लिए बहुत ही परेशानी हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन की सुविधाएं होती वहां पर तो रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा होता, सुविधा होता, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो मेन टीम है अभी भी रेस्क्यू का, जो मेन टीम है ओडराफ टीम, एनडीआरएफ, फायर, डीजीपी जो टीम लेकर जा रहे हैं, अभी तक वो नहीं पहुंचा। लोकल लोगों के पास जो अपने आसपास जो चीज है उसी में से रेस्क्यू कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का लोकल पुलिस वहाँ पर पहुंच चुका है और लोकल लोगों की मदद से, जिस तरह से मदद करके लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं वो उनको सैल्यूट है, लेकिन अभी तक जो मेन रेस्क्यू टीम है अभी तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल दुश्मन, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ट्रेन की कितनी बोगियां ज्यादा डैमेज हुई हैं, कितनी बोगियों को ज्यादा नुकसान हुआ है या फिर पूरी ट्रेन ही पलट गई। दुश्मन, देखिए जो सूचना आ रही थी कि चार बोगी अभी डैमेज हुआ है पूरी तरह डैमेज, और पांच से छह बोगी अर्थात आठ बोल सकते हैं डैमेज हुआ है। लेकिन अगर ये स्थिति देखे, जो सिचुएशन देखे, तो मालवाही ट्रेन और ये जो ट्रेन पटरी की वजह से ये ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर धुंधला है, लाइट ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है और जो रेस्क्यू टीम है वो भी पहुंच नहीं पा रहा है, लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा हादसा है। बिल्कुल दुश्मन, जब ऐसे ट्रेन हादसे होते हैं तो इनको टालने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेन्स होती हैं काफी स्पीड में होती है, जैसा कि आपने अभी बताया कि ट्रेन काफी स्पीड में थी और सिग्नल की वजह से ये कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ट्रेन हादसे हुए हैं काफी भयावह हुए हैं, अभी तो केवल घायलों की ही संख्या सामने आ रही है, जैसा कि आप बता रहे थे आशंका है कि मरने वालों की संख्या भी अभी आधिकारिक पुष्टि उसकी हो जाएगी। दुष्मंत जी, अभी तक आधिकारिक जैसे कि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितने लोग मरे हैं। हाँ, वही खबर आ रहा है 20 या 25 से लोकल सोर्स से, हमारी तरफ से जो लोकल सोर्स है वो बता रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वहां से रेस्क्यू जो लोगों को कर रहे हैं वो भी बहुत ही बुरी तरह घायल हुए हैं, उन लोगों को मेडिकल लिया गया है वहां पर भी। ठीक है दुश्मन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, दमोह से बड़ी खबर है जहां विवादित स्कूल पर बड़ी कार्रवाई हुई है, गंगा जमुना स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई है, सहायक संयुक्त संचालक ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। विवादित स्कूल पर बड़ी कार्रवाई, दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, गंगा जमुना स्कूल की मान्यता निलंबित हो चुकी है, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई, सहायक संयुक्त संचालक ने आदेश भी जारी कर दिए। ये वही स्कूल है जिसके पोस्टर में कई छात्राओं को हिजाब पहने हुए दिखाया गया था, हालांकि तर्क दिया गया था, सफाई दी गई थी कि वो स्कार्फ। ये वही स्कूल है, प्रार्थना के नाम पर दुआ यहां पर होती थी, कई सारी चीजें हैं जो संदिग्ध पाई गई, जांच हुई, कार्रवाई हुई, नियमों का उल्लंघन हुआ, कार्रवाई हुई, स्कूल की मान्यता निलंबित हुई। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां 9 विश्वविद्यालय में चल रही हड़ताल स्थगित हुई है, शिक्षकों, कर्मचारियों, पेंशनर्स की हड़ताल स्थगित हुई है, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बाद के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ। उच्च शिक्षा विभाग ने
मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। हड़ताल की वजह से परीक्षाएं प्रभावित हो रही थी। नौ विश्वविद्यालय में चल रही हड़ताल अब स्थगित हुई है। शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनर्स की हड़ताल स्थगित हुई। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। हड़ताल की वजह से परीक्षाएं प्रभावित हो रही थी। रायपुर से खबर है, मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। मंत्री के आवास पर जुटे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। शंकर नगर में बैठक हो रही है कांग्रेस की। बैठक में सभी मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी शैलजा, दो सचिव भी मौजूद हैं इस बैठक में। बैठक में मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं, सत्ता और संगठन के। शंकर नगर में यह बैठक हो रही है कांग्रेस की, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में सभी मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और दो सचिव भी इस बैठक में मौजूद बताया जा रहा है। खबरें यह हैं कि बैठक में मंत्रियों से फीडबैक दिया जा रहा है। चलिए, इस बैठक पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर और बैठक का मकसद क्या है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सीएम सिक्योरिटी यहां पर आ चुकी है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे और विधायक सत्यनारायण शर्मा पहुंचे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ और विधायक पहुंचे हैं और मंत्री जो है, जो भी मौजूद है यहां पर, वो पहुंचेंगे क्योंकि संभागीय जो सम्मेलन हुआ है जगदलपुर में, वहां शामिल होने के लिए गए थे। कुमारी शैलजा थोड़ी देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में और मंत्री मोहम्मद अकबर भी जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दुर्ग गए हुए थे, तो वो भी यहाँ पर अभी पहुंचेंगे और उसके बाद में बैठक होगी और डिनर के साथ में ये पूरी चर्चा होगी। खासतौर पर अगर हम बात करें तो बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनी रही है। आज बस्तर में जो जगदलपुर में जो सम्मेलन हुआ संभाग स्तरीय, उसमें तो रणनीति बनी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मंत्रियों के जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी ली जाएगी और जो मौजूद रहेंगे मंत्री वो अपने क्षेत्र की जो भी अभी तक की जो चुनौतियां हैं या जो भी उपलब्धियां रही हैं वो बताएंगे और उसके साथ ही जो और भी जो मंत्री हैं उनकी भी क्षेत्र की जानकारी जो है वो ली जाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चूंकि मोहम्मद अकबर जो है उनके बंगले में पहली बार इस तरह की बैठक हो रही है, तो कई तरह के कयास भी इस बैठक को लगाए जाते हैं, कई तरह की संभावनाएं भी व्यक्त की जाती है, कई तरह के जो मैसेजेस भी जो है उसके निकाले जाते हैं, संदेश जो कि इसके किस तरह के संदेश हैं। ये भी जरूर है कि इस बैठक को लेकर काफी गोपनीयता बरतने की कोशिश की गई जब तैयारियां की जा रही थी। आम लोगों का प्रवेश जो है करीबन 3 घंटे पहले से यहां पर बंद कर दिया गया है और जो दोनों ही प्रभारी सचिव हैं चंदन यादव और इसके साथ ही सप्तगिरी शंकर उलाका, वो भी इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में ये बैठक चलेगी और जाहिर तौर पे देर रात तक ये बैठक चलेगी और डिनर के साथ में जो है वो कुमारी शैलजा बातचीत करेंगी। 7 तारीख को भी जो है वो बिलासपुर संभाग को लेकर बैठक है और बिलासपुर संभाग को लेकर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो उसके पहले किस तरह की रणनीति हो सकती है इस पर बातचीत होगी और बस्तर के संभागीय सम्मेलन में जो स्ट्रेटेजी बनी है उस पर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो चर्चा होगी। पूरी तरह से चुनावी मोड में जो है वो पार्टी एक तरह से आ गई है, लेकिन बस ये बात यही है कि अगर सम्मान भोज में अगर ये इस तरह की बैठक रखी जाती तो उसकी सूचना दी जाती और भी लोग शामिल उसमें होते, लेकिन जिस तरह से लिमिटेड गेस्ट को लेकर रखा गया, गोपनीयता बरती जा रही, तो जाहिर तौर पर इस बैठक के अपने कई मायने भी निकलते हैं। जी बिल्कुल, चुनावी मूड में है इस समय पार्टी और फीडबैक ले रहे हैं मंत्रियों से,
ये भी बात निकलकर सामने आई है। और चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है फीडबैक लेना बहुत आवश्यक। ये भी जानना चाहूंगा ममता आपसे कि मोहम्मद अकबर के निवास पर ही ये बैठक क्यों? आमतौर पर हमें देखा है सीएम निवास में या पीसीसी दफ्तर में ऐसी बैठकें होती हैं, कोई इसकी खास वजह या फिर सामान्य तौर पर ही मोहम्मद अकबर के निवास पर ये बैठक हो रही है? बिल्कुल देखिए, और ये इसीलिए जो ये बैठक है थोड़ी सी दिलचस्प हो गई है क्योंकि अमूमन थोड़ी दूर पे तो राजीव भवन है, थोड़ी दूर पे जो है वो अगर हम बात करें तो सीएम का निवास है, थोड़ी दूर पे जो है पहुना है। ये देखिए, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो टारगेट है वो यहाँ पर बस अब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस यहाँ पर जो है वो भीतर पहुंचने ही वाले हैं। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो उनका जो टारगेट है वो पहुंच रहा है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो मोहम्मद अकबर के बंगले में ये जो बैठक हो रही है तो ज्यादातौर पर इस बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक मैसेज भी इससे जा रहा है। सामने जो है मंत्री रविन्द्र चौबे का भी बंगला है और अगर हम बात करें तो जयसिंह अग्रवाल का बंगला है, जयसिंह अग्रवाल का बंगला है। तो ये अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुमारी शैलजा और मंत्री मोहम्मद अकबर भी जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही है। बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये उनका काफिला आता हुआ मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास पर, सीएम भूपेश बघेल का काफिला। आगे बढ़ेंगे, भिंड से खबर है, सराफा व्यापारी की हत्या हुई है, बदमाशों ने गोली मार दी, गोली मारने के बाद चाकू से वार किए, मौके पर ही व्यापारी की मौत हो गई, व्यापारी का सामान लूट कर भागे हैं बदमाश, उमरी में सराफा व्यापारी की हत्या का ही मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भिंड संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये उमरी थाना इलाके का मामला है, जो कि व्यापारी अपनी दुकान से अपने घर जा रहा था, साइकिल से सवार, साइकिल पर उसने अपने सोने चांदी के जेवरात और नकदी कुछ लगभग 1.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं और लगभग 50 लाख से अधिक कीमत का अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि जेवरात भी होंगे, और अपने दुकान से अपने घर जा रहा था। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा है वैसे ही जो घात लगाए हुए बैठे थे अज्ञात हमलावर, नकाबपोश थे चूंकि, और उन्होंने आकर सबसे पहले तो चाकू से रस्सी काटकर, रस्सी से बंधा हुए थे जेवरात साइकिल पर पीछे, तो उन्होंने काटने का प्रयास किया, तो जब इसका विरोध व्यापारी के द्वारा तो लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया रवि। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है, रतनपुर बवाल के बाद पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई, 18 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया, एसपी ने तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित किया था, अब पुलिसकर्मियों का भी तबादला किया गया है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।